या देखिए, अगर मैं एक सेट लेता हूँ एक्स बिलोंग करता क्यू में, एक्स का मोड ग्रेटर देन जीरो और एक्स केयर जो है लेस देन फाइव है, तो इसका भी लिस्ट अपर बाउंड सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं होता। उसके बाद यू इज द अपर बाउंड ऑफ सेट ए एंड यू बिलोंग करता ए में। अगर यू कोई अपर बाउंड है हमारे पास सेट का और जो सेट के अंदर बिलोंग करता है, तो उसका लिस्ट अपर बाउंड निकाल लीजिए आप या उसका मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लीजिए, वो दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास ये कहता है अगर एल कोई लोअर बाउंड है सेट का और सेट के अंदर बिलोंग करता है, तो उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालो या उसका इनफिमम निकालो, वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो देखिए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है ये आपको ट्राई करनी है। जैसे पहला क्वेश्चन है बाउंडेड बिलो बट नॉट अबो, जैसे नेचुरल नंबर का सेट। थर्ड कहता है इनफाइनाइट सेट एंड बाउंडेड, जैसे ओपन इंटरवल 1 से लेके 2 का। या कहता है लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इक्वल आने चाहिए, जैसे मैं ले लेता हूँ एक सिंगलटन सेट 1, इसका लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सेम है। तो देखिए अब एक्सरसाइज में बात करें, फाइंड लिस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, लिस्ट एलिमेंट निकालना अगर वो सेट का एग्जिस्ट होता है। जैसे पहला एग्जाम पहले क्वेश्चन की बात करूं, तो यहाँ पे बड़े अगर बात करें लिस्ट अपर बाउंड की, तो है 11, 11 क्योंकि सब सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करें तो 1, सेट फाइनाइट है तो जो लिस्ट अपर बाउंड है वही ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, और जो लोअर बाउंड है हमारे पास वही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है 1/n, n बिलोंग करता है जेड माइनस सिंगलटन 0, या 1/n, n बिलोंग करता है n से। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, इसमें आएगा हमारे पास -1 1, -1 1, -1 1, तो बड़े से बड़ा एलिमेंट तो यहाँ 1 आएगा, छोटे से छोटा एलिमेंट -1 आएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो आएगा -1, लिस्ट अपर बाउंड आएगा 1। तो सेकंड फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, ये हमारे पास एन अपॉन में 1/n है। सिक्स की बात करें साइन एक्स, एक्स बिलोंग करता है 1 से लेके 10 तक। सातवां क्वेश्चन भी एज इट इज है, आपको ट्राई करना है। एट्थ क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ, तो ये जो सभी क्वेश्चन है आपको ट्राई करने हैं, ये मैं आपको शो करवा देता हूँ यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ताकि आप इनको इजीली सोल्व कर पाए। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन कहता है फाइंड लिस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द फ्लोइंग सेट। तो इसका भी आपको लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड आउट करना है। ईजी है, आई होप आप सभी इनको ट्राई करोगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रूव दैट अगर कोई सेट बाउंडेड है इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए के सच दैट एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू के। तो हम कहेंगे हाँ, अगर कोई सेट बाउंडेड है तो हमें एक के मिल जाएगा कि हर सेट का हर एक एलिमेंट के से छोटा है, और सेट का हर एक एलिमेंट के से छोटा है तो सेट बाउंडेड हो गया। आगे देखिए, आगे कहता है प्रूव दैट एवरी सबसेट ऑफ सेट बाउंडेड अबो इज बाउंडेड अबो। मतलब कोई सेट बाउंडेड अबो है तो उसका सबसेट भी बाउंडेड अबो होगा, या कोई सबसेट बाउंडेड बिलो है, कोई सेट बाउंडेड बिलो है तो उसका सबसेट भी बाउंडेड बिलो होगा, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब अगर सब सेट बाउंडेड बिलो है तो सेट का बाउंडेड बिलो होना कोई जरूरी नहीं है। जैसे इंटीजर की बात करें, इंटीजर का सेट बाउंडेड बिलो नहीं है, इसका सब सेट ले लिया -1 और -2 तो ये बाउंडेड बिलो है। या कोई सेट सब सेट बाउंडेड अबो है तो सेट बाउंडेड अबो कोई जरूरी नहीं है। सिक्स देखिए, सिक्स कहता है ए और बी दो बाउंडेड सबसेट है आर के, देन प्रूव दैट सेट ए प्लस बी जो आएगा वो भी क्या आएगा, बाउंडेड आएगा, और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है जो सम पे है वो कैसे खुल जाएगा, इक्वलिटी से, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ए का प्लस बी का। फिर कहता है एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जहां पे लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इक्वल आ जाए। तो मैं क्या कहूंगा, सिंगलटन सेट उठा लो, जैसे सिंगलटन 2, सिंगलटन 5, तो इसका लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो फ्रेंड ये जितने भी क्वेश्चन है आपको ट्राई करने हैं, और इन्हीं के अंदर से हमारे CSIR नेट के गेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आप सभी इन क्वेश्चनों को ट्राई करोगे, और आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम काउंटेबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।